तो देखिए बेटा जी, अपने पास में जो भी स्फीयर होगा, स्फीयर जो है वो कुछ इस टाइप से ही तो दिखने में होगा बेटा, जो भी अपनी बॉल है ना, बॉल शेप का होगा। तो उसके अंदर ये जो भी अपने पास, अगर अपर कॉर्नर से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो अपर कॉर्नर से ये जो भी लाइंस हैं, अगर लाइन ड्रॉ करना चाहें उसके ऊपर, तो वो लाइंस कुछ इस टाइप से ही तो होंगी, कर्व शेप में तो होंगी बेटा। ओके तो अपने लिखा इन स्फेरिकल ज्योमेट्री लाइंस आर नॉट स्ट्रेट। आगे लिखिए दे आर पार्ट्स ऑफ सर्कल्स, सर आर नॉट स्ट्रेट देन। इन स्फेरिकल ज्योमेट्री लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, दे आर पार्ट्स ऑफ सर्कल, दे आर पार्ट्स ऑफ सर्कल, क्योंकि ये ऐसा ही होगा, ये सर्कल की तरह ही तो होगा बेटा। यस सर, जस्ट होल्ड ऑन। तो देखिए बेटा, जो भी अपना स्फीयर होगा वो इसी टाइप से दिखने में होगा। ये अपने पास में ये हो गया, इसका एक अपर पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपने पास में, एक अपर पॉइंट हो गया। अब इससे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, जैसे कि ये लाइन अपन ने ड्रॉ की, ये इस टाइप से अपन ने कोई भी एक लाइन ड्रॉ की, और ये अपन ने कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन ली इसी पे, ये अपन ने कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन लिया इस टाइप से। तो देखिए जरा, ये जो लाइन आ रहा है, ये लाइन इस पर्टिकुलर लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा। यस सर। ओके, नाउ फिर से इसी पॉइंट से, इसी सेम पॉइंट से मैंने क्या किया, एक और सर्कुलर लाइन फिर से ड्रॉ किया अपन ने। यस सर। ये भी क्या होगा, इसी सेम लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बेटा। यस। ओके, सिमिलर फिर से अपन ने क्या किया, फिर से अपन ने यहां से एक और सेम इसी पॉइंट से फिर से अपन ने एक और लाइन ड्रॉ किया, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। ओके, इसी टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसी टाइप से अपन लाइंस प्लॉट करते जा सकते हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, तो इसी रिजल्ट को अपन देखते हैं जरा, इसी रिजल्ट को अपन देखते हैं कि क्या बनता है। तो इस वाले पॉइंट को अपन ने नेम दे दिया समथिंग कुछ ए बी सी, और इस वाले पॉइंट को दे दिया नेम अपन ने डी, और इस वाले पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया समथिंग कुछ पी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, अब अपन बात ये करेंगे कि ए एंड ए पी एंड ए पी एंड बी पी, या फिर ए पी ऐसे लिख दो, ए पी बी पी CP and CD, sorry, DP है ना, are perpendicular to the same line। ये जो line था अपने पास, clear है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Perpendicular to the same line. Okay. But perpendicular to the same line, but they are meeting each other. But they are meeting each other.
meeting each other at the point P. Meeting each other at the point P. The sum of the angles इस वाले ये जो भी लाइन है अपने पास इस लाइन को अपन ने बोल दिया L, ओके तो लिखिए द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन L, द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन L इज नॉट लेस देन टू राइट एंगल्स. ये जो भी लाइन L है इसके सेम साइड के अंदर अगर अपन बात करेंगे क्या एंगल्स की सम की बात करेंगे तो एंगल का सम यहाँ पे कितना हो रहा है एंगल 90 और इधर भी एंगल कितना हो रहा है 90 कोई से भी की बात कर लो भले तो यहाँ पे जैसे बात करेंगे तो ये कितना हो रहा है 90 प्लस 90 कितना हो रहा है 180 हो रहा है तो वो लेस देन 180 तो नहीं हो रहा बेटा. ओके तो लिखा अपने सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एल इज नॉट लेस देन टू राइट एंगल्स. In fact, it is the angle A plus the angle B is equals to 90 plus 90 that is 180 degree, right? Yes. Okay. Okay. उसके बाद लिखिए आगे. So, Euclidean geometry is valid for, so, the Euclidean geometry is valid for the figures in a plane, एक ही plane के अंदर हो, है ना? कहने का मतलब ये होगा कि 2D प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, है ना. 2D प्लेन के अंदर अपने पास में गिवन होगा तो फिर उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री लगा सकते हैं. ये फिगर जो है वो क्या हो गया था 3 डायमेंशन में हो गया था 3D फिगर था इसीलिए उसके अंदर अपन यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते. यूक्लिडियन ज्योमेट्री वहां पे क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा. ये वाली बात बेटा जी. ओके सो यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड फॉर द फिगर्स in a plane. आगे लिखे on the curved surface it fails. क्या बेटा ये थी एक छोटी सी कहानी और ये तुम्हारा हो चुका है यूक्लिडियन ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है. तो इसका 5.2 एक्सरसाइज और जितने भी इस चैप्टर के अंदर जितने भी अपने को एग्जांपल्स गिवन है उनको अच्छे से समझना और कंप्लीट करना. ओके उसके अंदर जो भी डाउट होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके ओके बेटा चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर. सब लोग अपना अपना ध्यान रखें मस्त रहें व्यस्त रहें बढ़िया से पढ़ रहे. ओके यस सर. ओके बाय.